हाय दोस्तों, मैं विजय कुमार स्वागत करता हूँ अपने स्पेल्स यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, और हम लोग 2.1 प्रश्नावली के सभी फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आप 2.1 प्रश्नावली को बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। ठीक है, तो देखिए, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप लोग खोल कर बैठिए ताकि आप लोग उसमें भी देखते रहिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों को टेबल दिखेगा। ठीक है, ये टेबल है एनसीईआरटी के बुक का है। ठीक है, इस टेबल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, ये साइन, ये कोण का लाइन है, ठीक है, ये शाखा का लाइन है और ये परिसर का है। ठीक है, देखिए, साइन इनवर्स का जो शाखा होता है -1 से 1 तक होता है। ठीक है, इसका जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। लेकिन इस टेबल की खास बात यह है कि हमें शाखा के बारे में बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ हमें परिसर के बारे में। तो जानते हैं परिसर के बारे में। तो देखिए, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। कोसेक इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता है। ठीक है, टैन इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। आप लोग दिमाग में ये बात रखिएगा, साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टैन इनवर्स का जो परिसर होता है -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब देखिए, कॉट इनवर्स का जो परिसर होता है 0 से π होता है। सेक इनवर्स का जो परिसर होता है 0 से π और इसमें -π/2 शामिल नहीं होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है 0 से π होता है। आप लोग कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो परिसर होता है वो 0 से π होता है। ठीक है, आप लोगों को टेबल बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में कोणों के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोगों ने 10th में 90 डिग्री तक के सभी मानों के बारे में पढ़ा है। आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस पढ़ना है 180 डिग्री तक के सभी मानों के बारे में। ठीक है, 120 डिग्री, 35 डिग्री और 150 और 180 अंश के सभी मानों के बारे में आप लोगों को जानना है। ठीक है, तो देखिए, ये जो लाइन है रेडियन की लाइन है और ये कोण की लाइन है। ठीक है, और ये डिग्री की लाइन है। ठीक है, आप लोग जानते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, अब देखिए, 120 डिग्री का जो मान होता है, बस आप लोग इसको इधर से चलिए, इधर से मान लिखते चले जाएंगे तो आप लोगों का 120, 135, 150 और 180 अंश का मान निकलता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए, 120 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर देखिए 60 डिग्री का मान √3/2 है। ठीक है, अब 135 डिग्री का मान देखिए, 135 डिग्री का जो मान होता है वह 1/√2 होता है, यहाँ पर 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। ठीक है, अब देखिए, 150 अंश का मान होता है 1/√2 और यहाँ पर 30 अंश का मान होता है 1/√2। ठीक है, और 180 अंश का मान 0 होता है और यहाँ पर 0 अंश का मान 0 होता है। आप लोगों को केवल और केवल 90 अंश तक जाना है, उसके बाद जब भी इधर पढ़ना है तो उल्टा इसको घुमा देना है। ठीक है, उल्टा घुमाएंगे तो आप लोगों को 120, 135, 150 और 180 अंश का मान निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो साइन वाली लाइन है ये धनात्मक होती है। ठीक है, इसमें कोई भी मान ऋणात्मक नहीं होता है, इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा। अच्छा, अब देखिए, कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक है, कॉस 30 अंश का मान √3/2 होता है और कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है। ठीक है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, आप लोगों को इतनी बात क्लियर, क्योंकि आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है, मुझे आप लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग इसको उलट देंगे और ऐसे सीक्वेंस में लिखते चले जाएंगे तो हमारा 120, 135 और 150 और 180 अंश का मान निकलता चला जाएगा।
ठीक है, तो आप लोग इस लाइन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए cos 120 अंश का जो मान होता है माइनस 1/2 होता है। देखिए यहाँ पर प्लस था लेकिन यहाँ पर माइनस 1/2 है, ठीक है। और देखिए cos 135 अंश का मान माइनस 1/√2 होता है, और cos 150 अंश का मान माइनस √3/2 होता है, ठीक है। cos 180 अंश का मान माइनस 1 होता है, ठीक है। आप लोग बस इतना याद कर लिए तो बस आप लोगों को माइनस प्लस का ध्यान रखना है, ठीक है। बस आप लोग इतना ख्याल करिए कि साइन वाली लाइन प्लस में होती है और कॉसेक थीटा वाली लाइन प्लस में होती है, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये चारों लाइनें ऋणात्मक होती है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं टैन के बारे में। देखिए टैन 0 अंश का मान 0 होता है, टैन 30 अंश का मान 1/√2 होता है, टैन 45 अंश का मान 1 होता है, और टैन 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक है। टैन 90 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। टैन 120 अंश का मान देखिए, टैन 120 अंश का मान माइनस √3 होता है, ठीक है। अब देखिए टैन 135 अंश का मान माइनस 1 होता है, और टैन 150 अंश का मान 1/√3 होता है, और 180 अंश का मान 0 होता है, ठीक है। अब काट थीटा का देखिए, काट 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, और काट 30 अंश का मान √3 होता है, और काट 45 अंश का मान 1 होता है, और काट 60 अंश का मान 1/√3 होता है, ठीक है। 90 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है। अब देखिए अब जब भी हम लोग इधर जाएंगे तो निगेटिव मान आएगा, ठीक है। तो देखिए काट 120 अंश का मान माइनस 1/√3 होता है, 135 अंश का मान माइनस 1 होता है, और 150 अंश का मान माइनस √3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि देखिए काट 180 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट। इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेक थीटा वाली लाइन को। तो देखिए सेक 0 अंश का मान 1 होता है, ठीक है, और 30 अंश का मान 2/√3 होता है, ठीक है। और यहाँ पर 45 अंश का मान √2 होता है, और 60 डिग्री का मान 2 होता है, और 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद निगेटिव मान आएगा। तो देखिए 120 अंश का मान -2 होता है, सेक 135 अंश का मान -√2 होता है, और सेक 150 अंश का मान -2/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए सेक 180 अंश का मान -1 होता है, ठीक है। अब हम लोग कोसेक थीटा वाली लाइन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 0 अंश का मान इनफाइनाइट होता है, कोसेक 30 अंश का मान 2 होता है, कोसेक 45 अंश का मान √2 होता है, और 60 अंश का मान 2/√3 होता है, ठीक है। 90 अंश का मान 1 होता है, और देखिए 120 अंश का मान 2/√3 होता है, ठीक है, और 135 अंश का मान √2 होता है, और 150 अंश का मान 2 होता है, ठीक है, और देखिए 180 अंश का मान इनफाइनाइट होता है। आप लोग ध्यान दिए होंगे ये जो लाइन है वो पॉजिटिव लाइन है, क्योंकि इसमें भी कोई मान निगेटिव नहीं आया है, ठीक है। बस आप लोगों को मोटी मोटी बात ये ख्याल करना है कि देखिए साइन वाली जो लाइन होती है वो धनात्मक होती है, और कोसेक थीटा वाली लाइन धनात्मक होती है, ठीक है। उसके बाद कॉस, टैन, कॉट, सेक, ये चारों लाइनें ऋणात्मक मान देती हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को सूत्र समझ में आ गए होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को आधे सूत्र याद थे, बस आप लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैंने वो भी आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ तक की बात अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग देखते रहिएगा और हम बारी बारी सवाल को हल करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग सवाल को लगाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आप लोग खोल कर बैठिए और हमारे साथ साथ सवाल को ध्यान से लगाते चलिए, ठीक है। ये आप लोगों के समझने के लिए मैंने इस सूत्र को ऐसे ही
छोड़ दिया है ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। ठीक है, देखिए एनसीईआरटी का इसमें पहला सवाल दिया गया है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें पहला सवाल दिया गया है साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। ठीक है, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो उसको क्या करिएगा, आपके मन में जो भी आएगा यक्स वाई जेड मान लीजिएगा साइन इनवर्स -1/2 = y। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोगों को साइन इनवर्स को इधर लाना है, जब साइन इनवर्स को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन वाई बराबर -1/2। अब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है, ठीक है, देखिए अब आप लोगों को एक बात लिखना पड़ेगा, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर जो होता है वो -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ख्याल करिएगा, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो इतना करने के बाद आप लोग लिखिएगा, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। ठीक है, अब आप लोग सवाल को हल करिएगा, यहाँ पर साइन वाई हो जाएगा, साइन वाई बराबर -1/2। ठीक है, अब हम लोग साइन में ऐसा मान निकालेंगे जिसमें -1/2 आ जाए। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि जो साइन की लाइन होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो हम लोग इस माइनस चिन्ह को बाहर निकाल देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन वाई बराबर माइनस, अब हम लोग देखेंगे 1/2 साइन में किसका मान होता है, तो आप लोग देखेंगे 30° का मान 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 30°। 30° को रेडियन में क्या कहते हैं, π/6। आप लोग बड़े हो गए हो इसलिए आप लोगों को जो अंश का मान है उसे रेडियन में लिखना होगा। ठीक है, ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर वाई बराबर आ जाएगा π/6। ये आप लोगों का फाइनल आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पहला सवाल समझ में आया होगा, अगर आप इसकी फोटो खींचना चाहते हैं तो खींच सकते हैं। अब हम लोग लगाएंगे दूसरा सवाल। ठीक है, तो आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक खोलकर सवाल को हमारे साथ साथ लगाते रहिए, क्योंकि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सवाल को हमें कैसे लगाना है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए इसमें दूसरा सवाल दिया गया है, कॉस इनवर्स √3/2। ये सवाल आप लोगों को दिया गया है। ठीक है, तो जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो उसको बराबर करके आपके मन में जो भी आएगा एक्स वाई जेड ABCD मान लीजिएगा, इसको हम लोग मान लेंगे वाई के बराबर, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर √3/2। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक लाइन लिखना है जो राज की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान और शाखा परिसर क्या होता है, 0 से π होता है। आप लोग एनसीईआरटी वाली बुक में इस टेबल को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग सवाल को हल करेंगे, तो यहाँ पर cos y बराबर हो जाएगा √3/2। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग ऐसा मान निकालेंगे जिसमें cos √3/2 आ जाए। ठीक है, तो देखिए कास वाले में √3/2 कब आता है, तो आप लोग देखेंगे 30° का मान
रूट थ्री बाई टू होता है। तो यहाँ पर देखिए रूट थ्री बाई टू होता है, तो इसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कास वाई बराबर कास पाई बाई सिक्स। ठीक है, ये कास आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग काटेंगे नहीं, ठीक है, अपने मन में काट लेंगे। तो यहाँ पर वाई बराबर हो जाएगा पाई बाई सिक्स। ये आ गया आप लोगों का फाइनल आंसर। ठीक है, आप लोग फटाफट सवाल को लगाते रहिए। अब हम लोग तीसरा सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए तीसरा सवाल इसमें दिया गया है कॉसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स कोष्टक में दो दिया गया है। ठीक है, जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो सबसे पहले क्या करिएगा, मन में जो भी खुराफात चलेगा उसको मान लीजिएगा वाई। ठीक है, इसको हम लोग इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक वाई बराबर दो। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे हम जानत हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि कौशिक कौशिक इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। ठीक है, जो शामिल नहीं होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोग जानते हैं कोसेक वाई बराबर टू। अब हमें देखना है कि कोसेक में दो किसका मान होता है। ठीक है, तो आप लोग जानते होंगे कोसेक में दो 30 अंश का मान होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देखिए 30 अंश वाले में कोसेक 30 अंश का मान दो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोसेक कोसेक वाई बराबर कोसेक, यहाँ पर पाई बाई सिक्स, कोसेक कोसेक से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई बराबर पाई बाई सिक्स आ जाएगा। ठीक है, चौथा सवाल इसमें दिया गया है टैन इनवर्स कोष्टक में माइनस रूट थ्री। ये सवाल आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। ठीक है, जब भी आप लोग ऐसे सवाल को लगाएंगे तो इसको मान लीजिएगा एक्स वाई जेड के बराबर। ठीक है, आप लोगों के मन में जो भी चलेगा उसको मान लीजिएगा। अब आप लोग इसको टैन को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा टैन वाई बराबर माइनस रूट थ्री। ठीक है, ये जो सवाल है इसके लिए हमारा जो ये ट्रिकी विधि है ये बिल्कुल ही काम नहीं करता है। टैन में जितना भी सवाल आएगा मान निकालने वाला, ये ट्रिक बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके लिए हम आप लोगों को एक सूत्र बता रहा हूँ, उसको आप लोग फॉलो करिएगा। ठीक है, यहाँ पर टैन माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा। इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस सूत्र में इसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल आराम से लग जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम लोग लिखेंगे हम जानते हैं कि टैन इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ पर हो जाएगा टैन वाई बराबर माइनस रूट थ्री। ठीक है, यहाँ पर टैन वाई बराबर हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे टैन में रूट थ्री किसका मान होता है, तो आप लोग जानते हैं टैन में 60 अंश का मान होता है। 60 अंश को रेडियन में कितना लिखते हैं, पाई बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे पाई बाई थ्री। ये टेन आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वाई बराबर बचेगा माइनस पाई बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का फाइनल आंसर। अब हम लोग सवाल को थोड़ा तेजी से लगाएंगे, क्योंकि अब आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि सवाल को हमें कैसे लगाना है। ठीक है, तो हम इस सूत्र को मिटा रहे हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आप देखिए पांचवा सवाल इसमें दिया गया है, कंप्यूटर
कॉस इनवर्स माइनस 1/2, यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कोष्टक में माइनस 1/2। ये आप लोगों का पांचवा सवाल है, ठीक है। जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो इसको मान लीजिएगा वाई के बराबर, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1/2, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को लिखना है रामबाण, ठीक है। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर क्या होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है 0 से पाई होता है। अब सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर cos y बराबर माइनस 1/2, ठीक है। अब देखिए cos y, अब cos में हम लोग जाएंगे देखेंगे कितने अंश का मान माइनस 1/2 होता है, ठीक है। तो cos में आप लोग जाओगे तो 120 अंश का मान माइनस 1/2 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 120 अंश को हम लोग 2π/3 लिखते हैं रेडियन में, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल, वाई बराबर आ जाएगा 2π/3, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए इसमें छठवां सवाल दिया गया है, यहाँ पर टैन इनवर्स कोष्टक में माइनस 1 दिया गया है, ठीक है। हमने आप लोगों को सूत्र बताया था टैन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टैन थीटा। इस सूत्र में आप लोग इस सवाल को लगाइएगा, जाकर लग जाएगा, ठीक है। जब भी आप लोगों के सामने ऐसा सवाल आए तो उसको मान लीजिएगा यक्स वाई जेड, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा टैन यक्स बराबर माइनस 1। अब हमें लिखना पड़ेगा रामबाण, तो ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि टैन इनवर्स का मुख्य मान ये लिखना है शाखा परिसर कितना होता है, माइनस π/2 से π/2 होता है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सवाल को हल करना है, टैन यक्स बराबर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर टैन यक्स बराबर माइनस को बाहर करेंगे, अब देखेंगे टैन में एक कितने अंश का मान होता है, तो 45 अंश का मान होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा टैन π/4। ये टैन टैन कैंसिल हो जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा माइनस π/4, ठीक है। ये आप लोगों का हो जाएगा फाइनल आंसर। तब तक हम इस सवाल को मिटाते हैं, तब तक आप लोग उसको लगा लीजिए। सातवां सवाल इसमें दिया गया है, sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। इसको मान लीजिएगा वाई के बराबर, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा sec वाई बराबर 2/√3, ठीक है। उसके बाद आप लोग रामबाण लिखिएगा कि हम जानते हैं कि sec इनवर्स का जो मुख्य मान फिर शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। इसमें जो शामिल नहीं होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा sec y बराबर 2/√3, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे sec में 2/√3 किसका मान होता है, ठीक है। तो ये होता है 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा sec π/6, sec sec कैंसिल, y बराबर आ जाएगा आपका π/6,
ये रहा आप लोगों के सामने सातवां सवाल। अब हम लोग लगाते हैं आठवां सवाल, ठीक है। एक ओर से आप लोग उतारते चलिए, एक ओर से हम लोग सवाल लगाते चल रहे हैं। देखिए इसमें आठवां सवाल दिया गया है, कॉट इनवर्स कोष्टक में √3 दिया गया है, ठीक है। इसको मान लीजिएगा यक्स के बराबर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉट यक्स, ठीक है, फिर √3। अब आप लोगों को रामबाण तरीका लिखना होगा, तो देखिए रामबाण पता है, हम जानते हैं कि कॉट इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर कितना होता है, 0 से पाई होता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों क्लियर। अब देखिए सवाल को हल करेंगे तो यहाँ पर कॉट यक्स बराबर √3 हो जाएगा। यहाँ पर कॉट यक्स बराबर, कॉट में √3 किसका मान होता है आप लोग जानते हैं, 30 अंश का मान होता है। यहाँ पर कॉट π/6 लिखेंगे, ये कॉट आपस में कैंसिल, यक्स बराबर π/6 आ जाएगा। ये आप लोगों का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नौवां दसवां सवाल लगाएंगे। नौवां दसवां सवाल आप लोग लगाइएगा, ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। उसके बाद हम लगा रहे हैं 11वां सवाल और 12वां सवाल आप लोग लगाइएगा, 13वां सवाल आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, उसके बाद 14वां सवाल आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए होमवर्क में आप लोगों को लगाना है HW के तौर पे। इसमें दिया गया है 9वां सवाल, कॉस इनवर्स -1/ में √2, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। और 10वां सवाल दिया गया है, इसमें कॉसेक इनवर्स कोष्टक में -√2 दिया गया है, ठीक है। इन दोनों सवालों को आप लोग लगाकर आइएगा। अब देखिए इसमें हम 11वें सवाल को लगा रहे हैं, बहुत ही मजेदार सवाल है। यहाँ पर दिया गया है टैन इनवर्स, और यहाँ पर 1 दिया गया है, प्लस करके कॉस इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स कोष्टक में -1/2 दिया गया है, ठीक है। प्लस करके यहाँ पर दिया गया है साइन इनवर्स कोष्टक में -1/2। इसको आप लोगों को हल करना है, तो कुछ नहीं करना है, इसको इसको और इसको यक्स वाई इसको जेड मान लीजिएगा, ठीक है। बारी बारी से आप लोग इसको हल करिएगा। इसमें आप लोगों को रामबाण लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर टैन इनवर्स 1 बराबर यक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर टैन यक्स बराबर 1 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं 1 कितने अंश का मान होता है, टैन 45 अंश का, π/4। ये टैन टैन आपस में कैंसिल, यक्स बराबर π/4 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया पहला मान। ज़्यादा तेज पढ़ा रहा हूँगा तो आप लोग स्पीड को थोड़ा कम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया गया है कोष्टक में -1/2 बराबर y, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस वाई बराबर -1/2, क्या हो जाएगा -1/2। यहाँ पर कॉस वाई बराबर, अब देखिए -1/2 कितने अंश का मान होता है, ठीक है। तो ये होता है लगभग 120 अंश का, ठीक है। तो ये कास यहाँ पर 3 पाई बाई नहीं, यहाँ पर 2π/3 हो जाएगा, 2π/3। ये आपस में कैंसिल हो जाएगा तो वाई बराबर आ जाएगा 2π/3, ठीक है। दूसरा मान आप लोगों को आ गया, तीसरा मान निकालते हैं। यहाँ पर साइन इनवर्स -1/2 है, इसको माने हैं अपन ने जेड के बराबर, ठीक है। इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जेड बराबर,
साइन जेड बराबर -1/2। ठीक है, साइन वाली जो लाइन होती है वो धनात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस को बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर साइन जेड बराबर माइनस और 1/2 कितने समान होता है, साइन पाई बाई 6 का। ये साइन साइन कैंसिल, यहाँ पर हो जाएगा जेड बराबर माइनस पाई बाई 6। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे यक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर। ठीक है, तो यक्स का मान यहाँ पर दिया गया है पाई बाई 4 प्लस, ठीक है, वाई का मान दिया है 2π/3 प्लस, यहाँ पर जेड का मान दिया गया है -π/6। तो यहाँ पर -π/6 डायरेक्ट इसमें हम लोग मान रख दिया है। ठीक है, अब देखिए लॉसा निकालेंगे इसका, तो लॉसा हो जाएगा 12। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 यानी 12, यहाँ पे 3π हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 चौका 12 यानी कि 8π हो जाएगा। यहाँ पर माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर 6 × 12 2π हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8π में से 2π घटा देंगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, 6 × 3 9π, 9π/12 हो जाएगा यानी कि 3 × 3 9π/4। ये आप लोगों का आ गया फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी सवाल बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग बारहवा सवाल लगाइएगा, नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 7717041214। ठीक है, आप लोग इस पर केवल और केवल SMS करिएगा, उसके बाद आप लोगों को 24 घंटे के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 13वां सवाल दिया गया है साइन इनवर्स यक्स बराबर वाई है। ठीक है, इसमें पूछा गया है शाखा परिसर कितना होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को हमने बताया है इसका जो मान होता है वो -π/2 से π/2 के बीच होता है। साइन इनवर्स का जो मान होता है वो -π/2 से π/2 होता है। तो यहाँ पर -π/2 बड़ा छोटा है या बराबर है, ठीक है, वाई के, या वाई से बड़ा है या बराबर है π/2 के। तो ये आप लोगों का बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग 14वां सवाल भी लगा लीजिएगा। देखिए 12वां सवाल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, 12वां सवाल आप लोगों के होमवर्क के लिए है। देखिए यहाँ पर दिया है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये सवाल दिया गया है। ठीक है, इसका मुख्य मान निकालना है। अब देखिए 14वां सवाल आप लोगों को इसमें दिया गया है टैन इनवर्स √3, ठीक है, और माइनस sec इनवर्स और कोष्टक में -2 का मान बराबर है या नहीं। इसमें दिखाना है कि आपका जो मान है वो -π/3 के बराबर है या नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग चारों सवाल पांचों सवाल लगा कर आएंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स को कमेंट से पूरा भर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे और आपकी प्रिपरेशन 2024 के लिए बेस्ट से बेस्ट होती रहे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।